हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ब्रेनबॉक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने डिफरेंस ऑफ रूट्स का, अल्फा डिफरेंस बीटा इक्वल टू रूट डी बाई ए। ओके, इसका हमने जो भी डेरिवेशन किया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। यहाँ से जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है एक्स वन, यहाँ से एक्स टू, दोनों का डिफरेंस लेने पे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया था और इसका फाइनल वैल्यू क्या आया था, रूट डी बाई ए। इसी पे आज हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो इज वन, देन विच वन इज ट्रू, देन विच वन इज ट्रू। ये क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हम लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन, बी ऑप्शन हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू माइनस वन, सी ऑप्शन है हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर पी प्लस वन, एंड डी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर पी माइनस वन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको, अल्फा डिफरेंस बीटा की वैल्यू वन दे रखी है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रूट डी बाई ए। तो यहाँ से लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई ए। अब यहाँ से इस इक्वेशन में देखिए ए बी सी का वैल्यू क्या है। तो एक बार यहाँ से देखिए, ए का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, वन। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस पी, और सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्यू। तो इसका ये वैल्यू पुट करने पे क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अगर फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से तो वन ही रहा, इधर से क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई ए। बी का वैल्यू क्या था, माइनस पी, तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू क्या था, वन, और सी का वैल्यू क्या था, क्यू, डिवाइड बाई ए का वैल्यू क्या था, वन। और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा, किसके इक्वल दे रखा है, वन के। तो यहाँ से क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू इक्वल टू वन, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे पी स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो इससे आंसर कौन सा ट्रू है, देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ एक एग्जांपल और हम सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग रूट्स, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो इज सेम एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन इसमें विच वन इज ट्रू। ए ऑप्शन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन हमारे पास है ए प्लस बी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से सी ऑप्शन है ए माइनस बी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और डी ऑप्शन हमारे पास ए माइनस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी जो डिफरेंस है दोनों के कोरस्पॉन्डिंग रूट्स का वो क्या है, सेम है। दोनों के कोरस्पॉन्डिंग रूट्स का डिफरेंस सेम है। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर इसके रूट अगर अल्फा बीटा है और इसके गामा डेल्टा है,
यहाँ से हमें दिया हुआ है कि एल्फा डिफरेंस बीटा इक्वल टू इसके रूट मान लो आप एल्फा बीटा और इसके मान लो गामा और डेल्टा इक्वल टू गामा डिफरेंस डेल्टा। तो यहाँ से क्या अप्लाई कर दोगे, यहाँ से रूट डी वन अपॉन डी वन इक्वल टू रूट इसका क्या हो जाएगा, इसको डी टू लिख लो, इसको डी टू लिख लो, यहाँ से क्या करो स्क्वायर कर दो और वैल्यू पुट कर दो। तो डी वन की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैं इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं अपन अच्छे से। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हमारे पास है एक तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, सेकेंड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू ए है, सी इक्वल टू बी है। ठीक है, ये ए बी सी कौन सा फॉर्मूले वाला है, यहाँ पे ए का वैल्यू वन, इसको कैपिटल पे लिख लो उसका वैल्यू बी और कैपिटल सी का वैल्यू ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो गया, डी वन अपॉन ए वन इसका स्क्वायर अपॉन डी टू अपॉन ए टू स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन सी का वैल्यू बी डिवाइड बाई ए वन का स्क्वायर, तो ये तो वन है इक्वल टू इधर से बी स्क्वायर क्योंकि बी का वैल्यू क्या है बी माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू ए डिवाइड बाई वन। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए। यहाँ से सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको भी इधर ले आओ फोर ए माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो, इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस यहाँ से फोर कॉमन लेने पे ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ गया, फर्दर सॉल्व करने पे ए माइनस बी तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, ए एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो सॉल्यूशन होगा नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से एक तो आ गया ए इक्वल टू बी जिसको तुम मना कर रखा, दूसरा क्या आ गया ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। आंसर कौन सा करेक्ट है, ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा के आंसर। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक का जो भी है हेडिंग लिख लीजिए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मूलों की प्रवृत्ति कैसे होगी, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा है कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जो कोफिशियंस है वो क्या है रियल नंबर से, ये आपको जो बुक्स में लिखा हुआ रहता है। तो इसमें जो भी रूट्स हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाई टू ए, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे साइन किसका चेंज हो रहा है, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स है वो यही वाला पार्ट डिसाइड करेगा, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं डी, डी किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं विवेचक, विवेचक लिख लीजिए आप डिस्क्रिमिनेंट। ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा कि रूट्स का नेचर कैसे होगा, बाकी तो इसमें माइनस बी डिवाइड बाई टू ए सभी का जो साइन है वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो यही फैक्टर हमें डिसाइड करके बताएगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो इसमें आप लिख लीजिए पहला, डी ग्रेटर देन जीरो हो
ठीक है, मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर रियल रूट वास्तविक एवं असमान होंगे, अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान, आप लिख लीजिए इसको, वास्तविक एवं असमान होंगे। ऐसा कैसे है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जब d ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस है इसको या तो कर्व ऐसे ही इंटरसेक्ट करेगा, ये किस केस में जब a ग्रेटर देन जीरो है, या क्या होगा कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा a क्या है लेस देन जीरो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये पॉइंट x1 x2 यही क्या होंगे रूट्स। तो यहाँ से ग्राफ से आपको दिख रहा है कि रूट्स कैसे हैं, एक तो अलग अलग है और कैसे रियल है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर एक छोटे से पॉइंट और आते हैं पहले वाले केस के अंदर ही, क्या इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो तो है ही, एंड ये क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर ये पहले वाली कंडीशन के अंदर ही सब कंडीशन है, तो क्या होते हैं रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे परिमेय एवं असमान, कैसे होंगे परिमेय एवं असमान, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हमने लिख लिया है तो इसका बी पार्ट हम इजीली लिख सकते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो d ग्रेटर देन जीरो या b स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल एंड अनइक्वल तो होना ही, क्योंकि पहले वाली जो कंडीशन है वो क्या है रूट्स आर इरेशनल अपरिमेय होंगे, कैसे अपरिमेय और असमान, अपरिमेय एवं असमान, ठीक है। इसका कर्व हमने पढ़ लिया है, कर्व कैसे बनेगा इसकी विद द कंडीशन, दो कंडीशन दी हुई है। इसके आगे हम चलते हैं सेकंड कंडीशन, दूसरा वाला कंडीशन क्या है, अगर d इक्वल टू क्या हो जीरो, d इक्वल टू जीरो दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो या फिर b स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी हो, इस कंडीशन में क्या होगा रूट्स कैसे होंगे, इसमें होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कैसे होंगे इक्वल होंगे, रूट्स आर वास्तविक एवं समान। मतलब क्या हुआ कर्व कैसे बनेगा, जो भी एक्स एक्सिस होगा या फिर तो कर्व ऐसे टच करेगा, ऐसे बिल्कुल टच करता हुआ निकल जाएगा ये एक ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो दोनों रूट यहीं पे लाई कर जाएंगे, दोनों रूट एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे जैसे अल्फा अल्फा, या फिर क्या होगा कि एक्स एक्सिस को ये एक्स एक्सिस है इसका आप ध्यान रखें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड कंडीशन लाइक दिस, इस तरीके से टच करेगा ए लेस देन जीरो स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो यहाँ पे भी रूट्स क्या है बीटा बीटा हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे रिपीटेड रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, ठीक है, इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, तो लिखो यहाँ पर रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड वाली कंडीशन समझते हैं, ग्राफ में साथ में एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। एक लास्ट कंडीशन है थर्ड वन, जब क्या हो d लेस देन जीरो हो या b स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो, इस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है, इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे, मतलब काल्पनिक और असमान, काल्पनिक एवं असमान, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इस तरीके से बना, ये एक्स एक्सिस है, काल्पनिक का मतलब क्या हुआ कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कर्व ने इसको इंटरसेक्ट भी नहीं किया, कर्व ऐसा निकल गया, इस कंडीशन के लिए ए ग्रेटर देन जीरो के लिए,
और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है इस तरीके से ए लेस देन जीरो, ठीक है, तो इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो रूट्स रियल रूट्स आए नहीं, तो रूट्स अगर रियल नहीं है तो क्या उनको क्या कहा, ये काल्पनिक रूट है। ये तीन कंडीशंस हैं जो हमें क्या बताते हैं, रूट्स का नेचर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एग्जांपल फर्स्ट, एक मिनट, टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स का नेचर जानने के लिए हमने पहले डी निकाला, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है टू, बी का वैल्यू है माइनस नाइन और सी का वैल्यू है सेवन, तो इसको रखो यहाँ पे बी स्क्वायर, ये नाइन माइनस नाइन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू टू और सी का वैल्यू सेवन, क्या होगा क्योंकि 81 माइनस ये कितना हो गया 56, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और ये 4 इंटू टू 8, 8 से बन गया 56, तो इसको माइनस करने पे कितना आ गया बेटा, 11 में से 6 क्या तो 5 और 7 में से 5 क्या तो 2, 25, 25 क्या है, एक तो ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे होंगे, वास्तव ऐसे मान, ठीक है। इसके साथ 25 क्या है 5 का स्क्वायर भी है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है। सेकंड कंडीशन इसके साथ क्या आ गई, ये परिमेय होंगे, रैशनल होंगे एंड असमान होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन पता लग गई। तो रूट हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस पी, तो b का वैल्यू माइनस नाइन है तो माइनस माइनस प्लस का नाइन प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, d का वैल्यू 25 डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू 2, यहाँ से कितना हो गया 9 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4, एक बार प्लस लेने पे कितना हो गया 14 बाई 4, एक बार नेगेटिव लेने पे कितना हो गया 4 बाई 4, यहाँ से कितना हो गया 7 बाई 2 और ये कितना हो गया 1। तो रूट्स कैसे हैं, देखो रूट्स वास्तविक है, परिमेय है और असमान है, ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक सेकंड एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर के लिए क्या किया, d कैलकुलेट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से b का वैल्यू कितना है माइनस 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3, ये कितना हो गया 36 माइनस 4 टू जा 8 एंड 8 से कितना हो गया 24, ये 24 से कितना आ गया बेटा, कितना गया 12 ग्रेटर देन 0। रूट्स कैसे होंगे, अब यहाँ से देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट कैसे होंगे परिमेय होंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नहीं है, तो अगर ऑप्शन में दे रखा हो कि कैसे होंगे परिमेय असमान होंगे अपरिमेय असमान होंगे, तो आंसर क्या होगा अपरिमेय असमान। रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू रूट 12 डिवाइड बाई 2, एक का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का रूट 2, तो 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4, एक बार प्लस 2 कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 2 से कैंसिल करने पे कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 3 बाई 2, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस ये हो गया 36, ये 24, ये 12, ठीक है, 12 कैंसिल किया ये 2 ए का वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ से रूट्स क्या आ गए 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये कैसे दिख रहा है आपको अपरिमेय है, कैसे अपरिमेय, अपरिमेय दिख रहा है, रूट 3 दिख रहा है, तो असमान, तो भाई इस तरीके से हम उस कंडीशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम काल्पनिक के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, तो काल्पनिक के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0,
तो इसके लिए डी कैलकुलेट किया, तो डी कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू टू, सी का वैल्यू सेवन, तो कितना हो गया 36 माइनस 56, यहाँ से कितना हो गया जीरो हो गया, माइनस का 20। तो इसमें डी क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो क्या है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट्स की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस का सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी माइनस 20 डिवाइड बाई 2 ए, यहाँ से कितना हो गया 6 प्लस माइनस, इसको अंदर क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 4 इंटू 5 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 4। कॉम्प्लेक्स नंबर में समस्त संख्या में आप सभी को पता है कि रूट माइनस वन को क्या लिखते हैं, आयोटा, क्या लिखते हैं आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 4 का तो क्या हो गया 2 बाहर आ गया, आयोटा ही बाहर आ गया, और रूट 5 डिवाइड बाई 4, यहाँ से क्या हो गया 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो इसके एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे 2 रूट आ गए, तो उनको लिख सकते हैं एक बार 3 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 5 बाई 2, और एक क्या हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस आयोटा रूट 5 बाई 2। तो दोनों रूट कैसे हैं, काल्पनिक है और असमान है, कैसे हैं काल्पनिक एवं असमान। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस थी नेचर ऑफ रूट्स की जिन्हें हम नॉर्मल वाइज डिस्कस किया है। इसके बाद दो पॉइंट्स है, या आप कह सकते हो नोट्स है, उसको हम लिख लेते हैं। तो नोट वन करके लिखिए, नोट वन करके लिखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो आर रियल, देन इफ एग्जिस्ट इमेजिनरी रूट्स आर अक्कर इन पेयर। कहने का मतलब है कि ए बी सी अगर रियल है, क्या है रियल है, तो अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे, इफ एग्जिस्ट, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो क्या होंगे, पेयर के अंदर होंगे। मतलब कहने का है कि एग्जाम्पल अगर 2 माइनस आयोटा रूट 3 कोई रूट है, तो 2 प्लस आयोटा रूट 3 भी इसका एक रूट होगा। ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर, संयुग्मी युग्म, हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, संयुग्मी युग्म, ठीक है। तो अगर कोएफिशिएंट वास्तविक है, रियल का मतलब वास्तविक है, अगर गुणांक तो क्या होंगे, युग्म होंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड जब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो एग्जांपल है हमारे पास में, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर दे रहा है प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखिए इसके रूट्स कैसे रियल है, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू टू है, सी का वैल्यू फोर है। इसके रूट्स निकाले एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब फोर माइनस फोर, ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू फोर, ठीक है, डिवाइड बाई टू ए का वैल्यू वन। यहाँ से क्या हो गया माइनस टू प्लस माइनस, ये क्या हो गया बेटा, देखो फोर फोर जो 16 में से गया, तो माइनस का 12 डिवाइड बाई 2। इस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस, तो इस तरीके से लो 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट 3 बाई 2, उसे टू कैंसिल होने पर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 1। तो यहाँ से देखो रूट्स क्या हो गए, एक रूट हो गया माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3, एक क्या हो गया माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3। जहाँ पे आयोटा हो गया, तो इमेजिनरी तो भाई काल्पनिक, इमेजिनरी तो है इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो देखो पेयर में आएंगे,
केवल यहाँ पे साइन का अंतर होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस होगा, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट लिखा हुआ था, नोट को आप याद करके रखें। इसके बाद सेकंड नोट लिख लेते हैं, एक नोट नंबर सेकंड, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो आर रैशनल, क्या है रैशनल, देन इफ एग्जिस्ट इरेशनल रूट्स आर अक्कर इन पेयर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर परिमेय गुणांक है, कैसे परिमेय गुणांक है, तो इसके अपरिमेय जो रूट होंगे, अपरिमेय रूट होंगे वो कैसे होंगे, पेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक रूट टू माइनस रूट थ्री है, तो डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा, टू प्लस रूट थ्री, इस तरह की बात है। या आप ऐसे ले सकते हैं कि ए प्लस रूट बी है, ए माइनस रूट बी इसका एक दूसरा मूल डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अगर इसके गुणांक परिमेय हैं, तो अगर इरेशनल रूट होंगे, अपरिमेय रूट होंगे, तो पेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, वो वाली बात है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो इक्वेशंस के साथ इसको, एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, अपने पास क्वेश्चन है लेट वन रूट ऑफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन एक बार, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, टेक्निकल चीजें हैं तो हैंडल करने में थोड़ा, चलो एग्जांपल देखते हैं क्या है। लेट वन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी, यहाँ पे फिर से बी है, इक्वल टू जीरो, टू प्लस रूट थ्री, देन फाइंड अदर रूट एंड वैल्यू ऑफ ए एंड। ठीक, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ये कैसा रूट है, इरेशनल रूट है, तो इरेशनल रूट है, तो यहाँ से इसका अदर रूट क्या हो जाएगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट तो सर हमें पता है टू माइनस रूट थ्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट्स कैसे होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो अब यहाँ से दूसरा रूट तो पता लग गया, ये वाली चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, इक्वेशन से ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहाँ से एक रूट ये दे रखा है, तो एक ये दे रखा है, इनका सम क्या हो जाएगा, टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, माइनस बी बाई ए इक्वल टू फोर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, यहाँ से भी सी बाई ए, तो सी का वैल्यू बी है, तो बी बाई ए इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, तो ए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया फोर माइनस थ्री तो इक्वल टू वन। यहाँ पे शायद बी एक्स की जगह एक मिनट वैल्यू बेटा, इसका वैल्यू ये बी एक्स नहीं है, आई थिंक यहाँ पे थ्री होना चाहिए, ये यहाँ पे थ्री एक्स है बेटा, ये इसको थ्री एक्स कर लो, थ्री एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे थ्री रखने पर कितना हो जाएगा माइनस का थ्री, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये माइनस थ्री हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू तो यहीं से निकल गया, ये माइनस थ्री, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, इसको साइड में रखिए, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया माइनस थ्री बाई फोर, ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस थ्री बाई फोर, और यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया, ए और बी क्या है,
यहाँ से देखो बी बाई ए, सी बाई ए तो सी के अंदर बी है, तो यहाँ से वन हो गया, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो गया ए, तो ये तो दोनों इक्वल है, तो बी का वैल्यू भी कितना हो गया -3/4। ठीक है, इस तरीके से मेन चीज इसमें ये था पेयर का, और यहाँ से ए और बी का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको आज सभी चीज़ें समझ में आई होगी। आज हमने जो कर्व का नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ा है, उनके ग्राफ्स भी पढ़े हैं कि वो रियल एक्स एक्सिस को किस तरीके से टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या टच ही नहीं करते। तो आप जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और ब्रेन बॉक्स ऐप को मैक्सिमम डाउनलोड करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।